लाहौरी चने बनाना है तो उसके लिए मैंने इन चनों को रात भर भिगा दिया था पानी में और एक चम्मच इसमें सोडा डाला था, खाने का सोडा, और इसे भिगा के रखा था। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसमें जाएगा टेस्ट के मुताबिक नमक प्लस पानी। अभी हमें भटूरा बनाना है जिसके लिए एक कप मैदा लिया है हमने। ये एक कप मैदा है, 1 TSP बेकिंग पाउडर और ये 1/2 कप दूध है जिसमें 1 TSP शक्कर पड़ी है और 1 TSP विनेगर पड़ा है। इससे हम आटा गूंदेंगे। हिसाब से नमक डाल लीजिए। पानी से अच्छी तरीके से मिल गया है तो हम इस पर 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अभी आटा अच्छी तरीके से नीड हो गया है, हम इसे 1.5 से 1.25 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे साइड में। अभी ये प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं। ये इस तरीके से थोड़े खड़े रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप ऐसे मैश कर सकते हैं, ऐसे साइड में रख दीजिए। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम एक बड़ी इलायची इस तरीके से खोल के डाल देंगे और 2 प्याज। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट गया है। तीखी वाली मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्ची, घर का गरम मसाला, थोड़ा सी पानी, अब इसमें जाएंगे चने। इसमें 1 टीस्पून भर के जाएगा आमचूर पाउडर। अभी ऑयल ऊपर आ चुका है तो ये चक्कर तो ये लाहौरी चने रेडी है। बोल में निकाल लेंगे। रेडी है, हाथ में तेल लगा लेना है हमें और इसका एक छोटा पेड़ा निकाल लेना है।
पे थोड़ा तेल लगा लेंगे। इसके भी तेल लगा लेना है ना। इस तरीके से ओवल शेप में होना चाहिए। और ज़्यादा पतला भी नहीं, इतना मोटा होना चाहिए। मैं तेल बता हाई हीट पे गर्म होना है। तेल इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें से धुआं निकलना चाहिए। अगर आप ठंडे तेल में डालोगे तो भटूरा तेल ज़्यादा पी लेगा।